छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर रायपुर कोलकाता हाईवे पर एक कस्बा है, आरंग। कहा जाता है कि यह कभी राजा मोरध्वज की राजधानी थी और इसकी पहचान एक समृद्ध नगर के रूप में थी। मोरध्वज की कहानी पुराणों में मिलती है, जिसे कृष्ण ने आदेश दिया था कि वह अपने बेटे ताम्रध्वज को आरी से चीरकर उसका मांस शेर के सामने पेश करे। आरी से चीरने की कहानी के कारण ही इस नगर का नाम आरंग पद्दा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि उनका उससे भी बड़ा कोई भक्त है। कृष्ण आर्ष का वेश बना अर्जुन को साथ लेकर मोरध्वज के पास पहुंचे और कहा, मेरा शेर भूखा है और वह मनुष्य का ही मांस खाता है। राजा अपना मांस देने को तैयार हो गए तो कृष्ण ने दूसरी शर्त रखी कि किसी बच्चे का मांस चाहिए। राजा ने तुरंत अपने बेटे का मांस देने की पेशकश की। कृष्ण ने कहा, आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का सिर काटकर मांस खिलाओ, मगर इस बीच आपकी आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। राजा और रानी ने अपने बेटे का सिर काटकर शेर के आगे डाल दिया। तब कृष्ण ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया, जिससे उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। आरंग का प्रसिद्ध भांड देवल मंदिर, जिसे 11वीं 12वीं सदी का बताया जाता है। आरंग में मौजूद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस बात की गवाही देते हैं कि यह कभी व्यवस्थित नगर रहा होगा। हालांकि महाभारत काल कृष्ण काल का कोई सबूत नहीं मिलता, शायद इसलिए कि अब तक उसके 5000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। भांड देवल मंदिर के बाहर बनी मूर्तियां, जिनमें कुछ खजुराहो की तर्ज पर इरोटिक है, आरंग मंदिरों की नगरी है। इनमें 11वीं 12वीं सदी में बना भांड देवल मंदिर प्रमुख है। ये एक जैन मंदिर है, जिसके बाहरी हिस्सों में बनी इरोटिक मूर्तियां खजुराहो की याद दिलाती हैं। इसके गर्भगृह में काले ग्रेनाइट से बनी जैन तीर्थंकरों की 3 मूर्तियां हैं। महामाया मंदिर में 24 तीर्थकरों की मूर्तियां देखने लायक हैं। यहां के बाघ देवल, पंचमुखी हनुमान तथा दंतेश्वरी मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। महानदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक शहर में जल के कटाव से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिलते रहते हैं। बाघ देवल मंदिर को अब बागेश्वरनाथ मंदिर कहा जाने लगा है। सुवर्ण नदी से मिले ताम्र पत्र से पता चलता है कि 6वीं-7वीं सदी में यहाँ राजर्षि तुल्यकुल वंश का शासन था। वंश के अंतिम शासन भीमसेन ने यह ताम्र पत्र जारी किया था। इतिहासकारों का मत है कि इस वंश के राजा गुप्त ताम्र पत्र में गुप्त सम्राट के अधीन रहे होंगे। राजा मोरध्वज की ऐतिहासिक नगरी आरंग में स्थित स्वयंभू पंचमुखी महादेव, मान्यता है कि पीपल वृक्ष को चीर कर प्रकट हुए हैं स्वयंभू पंचमुखी महादेव।